हेलो एवरीवन, दिस आदित्य अधिकारी एंड यू वाचिंग E24। परदेश गर्ल महिमा चौधरी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। बीते दिनों ही महिमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बात का खुलासा किया था कि वो कैंसर से जंग लड़ रही हैं। वीडियो में उनका रूप देख उनके फैंस का दिल टूट गया है। लेकिन आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब महिमा इतने बुरे वक्त से गुजर रही हो। इससे पहले भी एक एक्सीडेंट के दौरान महिमा का पूरा चेहरा बिगड़ गया था। दरअसल उस एक्सीडेंट में महिमा के चेहरे में 67 कांच के टुकड़े घुस गए थे। पहले भी महिमा चौधरी की जिंदगी में आया था तूफान। कैंसर से पहले भी महिमा चौधरी ने लड़ी थी मौत से जंग। एक एक्सीडेंट ने तबाह कर दिया था महिमा का खूबसूरत चेहरा। चेहरे में घुस गए थे 67 कांच के टुकड़े। महीनों नहीं सालों तक चली थी जंग। परदेश गर्ल महिमा चौधरी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। बीते दिनों ही महिमा ने एक वीडियो पोस्ट कर खुलासा किया था कि वो कैंसर से जंग लड़ रही है। वीडियो में महिमा का ऐसा रूप देखने को मिला था जिसे देख उनके हर चाहने वाले का दिल टूट गया था। कैंसर के चलते महिमा अपने सारे बाल खो चुकी हैं, उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। इस वीडियो में महिमा ने बताया था कि वो पूरी हिम्मत के साथ अपने हालातों से लड़ रही है और फिल्म के सेट पर वापसी कर रही है। वहीं महिमा की पॉजिटिविटी और हिम्मत देख उनके चाहने वाले भी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। भले ही महिमा इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महिमा चौधरी की जिंदगी में इस तरह से तूफान आया है। 48 साल की महिमा इससे पहले भी मौत से लड़ चुकी है, बेहद मुश्किल जंग, जिसके निशान आज भी उनके चेहरे पर मौजूद हैं। तब एक कार एक्सीडेंट की वजह से महिमा की जिंदगी और उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से तबाह हो गया था। यहाँ तक कि उनका खूबसूरत चेहरा, जो एक एक्ट्रेस के लिए बेशकीमती होता है, वो भी बर्बाद हो गया था। ये किस्सा है आज से करीब 22 या 23 साल पहले का, जब महिमा चौधरी अजय देवगन और काजोल की फिल्म दिल क्या करेगा में काम कर रही थी। उस दौरान फिल्म की शूटिंग पर जाते समय महिमा की कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था। इस हादसे में महिमा पूरी तरह से घायल हो गई थी। उनके पूरे चेहरे पर कांच के 67 टुकड़े घुस गए थे। डॉक्टरों ने सर्जरी करके महिमा के चेहरे से कांच के उन 67 टुकड़ों को निकाला था। इस हादसे की वजह से वो लंबे वक्त तक फिल्मी दुनिया से दूर थी और धीरे धीरे वो गुमनाम हो गई थी। हादसे के बाद 13 साल बाद महिमा ने एक इंटरव्यू में अपना एक दुख बयान किया था। तब महिमा ने बताया था कि सर्जरी करके मेरे चेहरे में घुसे कांच के टुकड़े निकाले गए थे। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने मुझे घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने मुझे धूप में निकलने से मना किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे आईना में अपना चेहरा देखने तक के लिए मना किया था। मुझे लगा था कि अब मेरा करियर खत्म हो गया है और मुझे कोई फिल्म में काम तक नहीं देगा। ठीक होने में लंबा समय लगा और उसके बाद मैंने फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग पूरी की। एक्सीडेंट के बाद फिल्म की शूटिंग करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया कि मेरा कोई भी क्लोजअप शॉट ना लिया जाए। इस एक्सीडेंट का नुकसान ये हुआ कि महिमा का फिल्मी करियर भी धीरे धीरे ढलान पर आ गया और अब एक बार फिर महिमा की जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर तूफान लेकर आया है। हालांकि महिमा ने हार इस बार भी नहीं मानी है, वो एक बार फिर फिल्म के सेट पर लौट आई हैं। उन्होंने अपने सिर पर विग लगाकर न्यू लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।